Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question pe chalte hain bachcho. On 1st July 2011, second-hand machinery khareedi 20,000 ki aur 3,000 ispe reconditioning pe kharch kiya. 23,000 ki hogi. 1st January 2012, ek aur machinery khareedi 12,000. 30th June 2013, जो पहली मशीनरी खरीदी थी सेकेंड मशीनरी जो खरीदी थी 1st जनवरी 2012 को, वो 8,000 रुपए में बेच दी। बढ़िया पॉइंट है, सेकेंड मशीनरी बेची। आमतौर पे तुम्हें आधा डलवा दी जाती है कि पहली ही बेची जाती। और 1st जुलाई 2013 ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में पहुंच गए हम लोग, फ्रेश प्लांट और खरीद लिया हमने बच्चों। लेकिन इस प्लांट की पेमेंट जो है ना, वो तीन इंस्टॉलमेंट पे की गई है, 1st जुलाई 2013, 30th जून 2014 एंड 30th जून 2015, 5,000, 6,000 और 5,000। याद रख लें, जब इस तरह से टोटल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है तो आप इसका टोटल करें, टोटल आ रहा है 16,500। और ये बताया गया कि इसके अंदर दो इंटरेस्ट भी हैं, ₹1,000 का और एक ₹500 का। किसी भी तरह का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं होता, उसको फाइनेंसिंग चार्जेस बोलते हैं। वो तो लोन लेने का खर्चा है ना, वो मशीनरी का खर्चा थोड़ी है। तो 16,500 जो हमने टोटल पेमेंट किया है, इसमें से ये दोनों इंटरेस्ट आप माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी बचेगी 15,000। मैं आपके लिए दोबारा से बात बताता हूं कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट की है उन सबका टोटल कर लो और उसमें से जितना भी इंटरेस्ट है उसको माइनस कर दो, वो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन। खैर, कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन लगा रही है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट्स हर साल क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च, और आपको ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 तक के अकाउंट बनाकर दिखाने हैं। डन, करते हैं शुरू बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा वर्किंग नोट भी बनेगा। और कैसे बनेगा आप देखें, मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ऑफ अप्रैल को खरीदा ना, फर्स्ट प्लांट 1st जुलाई 2011, 1st जुलाई 2011, टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी आप जो मर्जी कहें, 23,000। क्योंकि हमारा ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च 2012 को क्लोज होगा, लेकिन 31 मार्च 2012 से पहले पहले हमने 1st जनवरी 2012 को एक नया प्लांट और खरीद लिया है 12,000 रुपए का। सो करंट ईयर में ही हो गया ना। 1st जनवरी आमतौर पे बच्चों को सेकंड ईयर में लगती है, अगले साल में लगती है, लेकिन जैसा कि आप नजर आ रहा है आपको, जनवरी 2012 में हमने खरीदा था, तो इसको करंट ईयर में ही लेंगे, फर्स्ट ईयर में। सो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लांट पर और सेकंड प्लांट पर, फर्स्ट प्लांट 23,000 का है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन बनता है 2,300 रुपए, 2,300, बट 1st जुलाई को खरीदा है तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,725। इसी तरह से सेकंड प्लांट 1st जनवरी को खरीदा है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन बनता है 1,200 रुपए, 10% है ना, लेकिन 3 मंथ्स का 300 रुपए, 2,025 बचा बैलेंस कैरेट था। इसका मैंने टोटलिंग किया, दिस इज 35,000। 35,000 में से डेप्रिसिएशन लग गया 2025 का, तो 32,975 रुपीस हमारा बैलेंस बच गया। ठीक है जी, अब अगले साल पे चलते हैं। 1st अप्रैल 2012, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,975। अब 2012-13 में क्या हुआ वो देखते हैं। 2012-13 में कुछ भी नहीं हुआ। 2012-13 का मतलब 1st अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन 2013 30 जून को हुई है, ठीक है ना। पहले सेकंड वाला प्लांट बेचा है तो इसका मतलब सेकंड ईयर में कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, तो सिंपल साल के एंड में 31 मार्च 2013 को
डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया, फर्स्ट प्लांट का भी पूरा 2300 रुपए और सेकंड प्लांट का भी पूरा 1200, टोटल 3500 डेप्रिसिएशन लगा और बैलेंस कैरेट डाउन हो गया, 32975 बैलेंस था ओपनिंग, 32975 में से 3500 माइनस किया, बैलेंस 29475 रुपीस का हमारे को बैलेंस बच गया। इसको मैंने 1st अप्रैल 2013 को बैलेंस ड्रॉ डाउन कर दिया 29475 का, डन। अब इस साल में 30th जून को हमने सेकंड वाला प्लांट बेच दिया, तो बच्चों उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी पहले 3 महीने की, जून को बेचा ना 30th जून को, तो अप्रैल में जून, उसके बाद बाय बैंक इसका सेल किया, हमने क्वेश्चन में बताया हुआ है 8000 में हमने सेल किया है, तो प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी आ रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। 3 ट्रांजेक्शंस का आपको हमेशा अपने माइंड में रख, ये प्लांट खरीदा था ओरिजिनली 12000 रुपए का, तो 12000 रुपए पर 10% पूरे साल का 1200, 3 महीने का 300 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। आप ओरली भी निकाल सकते हैं, इस प्लांट पर पहले साल हमने 300 डेप्रिसिएशन लगाया था, दूसरे साल 1200 और अब इस साल में भी बचा कुचा 300 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया, 300 + 1200 + 300 1800 डेप्रिसिएशन लग गया, 12000 रुपए पर 1800 का डेप्रिसिएशन लग गया, बाकी 10200 बचा, 8000 में सेल हुआ, 2200 का आपका लॉस आ गया, राइट। और इसी सेम डेट पर 1st जुलाई 2013 को जो प्लांट नंबर 3 खरीदा है उसमें 2 बैंक नहीं लिखना, 2 वेंडर अकाउंट लिखें, इस बात का आप ध्यान रखें बच्चों। 1st जुलाई 2013 को हमने जो ये खरीदा है ये 2, क्योंकि सारी पेमेंट इकट्ठी नहीं की ना, अगर सारी पेमेंट इकट्ठी करता 2 बैंक लिखता, लेकिन मैंने तो किसी से इंस्टॉलमेंट्स भी ली है, तो इसको 2 वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, सेलर का नाम लिखेंगे, जैसे हमें अमित एंटरप्राइजेस से खरीदी है तो यहाँ पर 2 अमित एंटरप्राइजेस का नाम लिखा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कॉस्ट निकाल कर दिखाई इसकी, 16500 थी माइनस 1500 का इंटरेस्ट, ओके। तो ये अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में। बस आप साल के एंड में पहुंच चुके हैं हम लोग, 31st मार्च 2014 को इस पर डेप्रिसिएशन और लगा देते हैं बच्चों, फर्स्ट प्लांट की, सेकंड प्लांट का और थर्ड प्लांट का, इनफैक्ट सेकंड तो बिक गया, तो फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 2300 रुपए, 23000 का 10%, दूसरा तो गया, थर्ड प्लांट का ये 15000 रुपए वाले का पूरे साल का 1500 बनता, लेकिन 9 मंथ का 1125 बना, 3425 और बाकी बच गया बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। टोटल किया ये हमारे पास बैलेंस बच रहा है, दिस इज 44475, जो भी बैलेंस बचता है हम अभी इसका बैलेंस निकाल देते हैं बच्चों। ₹50 30,550 रुपीज इसका बैलेंस बच गया, और इसको 1st अप्रैल 2014 को बैलेंस ब्रॉड डाउन भी करके दिखा देंगे, 30,550 रुपए, ठीक है जी, ओके। इसमें वर्किंग नोट भी आपको बना देता हूं बच्चों, वर्किंग नोटिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी सोल्ड वॉज ₹12,000 लेस डेप्रिसिएशन, हमने पहले साल में खरीदी थी 2000, कौन सा था ईयर, माइंड से ईयर निकल गया, 2012 में, ये 1st जनवरी 2012 में खरीदी थी, ठीक है। तो 2012-13 का 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा था बच्चों 300 रुपए, 2013-14 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा था 1200 रुपए, और 2014-15 अच्छा मैं ईयर गलत लिख गया हूँ, आई एम सॉरी, ये 2012 थी डेट, तो यहाँ पर डेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी,
2011-12 था फर्स्ट, सेकंड था 12-13 और अब ये 13-14 चल रहा था। 13-14 में भी ये 3 महीने के लिए ही यूज किया था, 300 रुपए, तो 1800 रुपए इसका डेप्रिसिएशन लगा, बाकी इसकी बुक वैल्यू 10,200 रुपए बचती थी। और 10,200 वाली चीज हमने इसको सेल करी थी बच्चों 8,000 में, तो 2,200 रुपीज का लॉस ऑन सेल आया था। और यही लॉस ऑन सेल, प्रोसीड्स और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने ऊपर यहां पर थर्ड ईयर में ये आपके सामने शो किया हुआ है, और बाकी साल के हमने डेप्रिसिएशन लगाकर बैलेंस निकाल लिया। ओके, राइट, डन।